नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विष्णु प्रताप सिंह और सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के वीडियो ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इसमें हम लोग फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। फंक्शन क्या होता है? जो फ्रेंड्स इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उन लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि फंक्शन की सीरीज के इसके पहले मेरे 4 वीडियोस हैं, उसको जरूर देखें। उसको देखने के बाद इसको देखें तो ये ज्यादा समझ में आएगा। अब आइए हम लोग आगे देखते हैं। दोस्तों, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे नो आर्गुमेंट नो रिटर्न टाइप के फंक्शन को। नो आर्गुमेंट नो रिटर्न टाइप का फंक्शन क्या होता है? इसमें ना ही हम फंक्शन के कॉलिंग के टाइम पे कोई आर्गुमेंट पास करते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना ही कोई आर्गुमेंट पास किया हुआ है और ना ही कोई मेन फंक्शन की बॉडी से कुछ रिटर्न आता है। यहां से कोई रिटर्न भी नहीं आएगा। तो आइए इसको हम बना के देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। दोस्तों, सबसे पहले फंक्शन का डिक्लेरेशन सेक्शन होता है, तो यहाँ पे हम डिक्लेयर करते हैं। चूंकि नो रिटर्न टाइप का फंक्शन है तो वाइड होगा एट, और नो आर्गुमेंट है तो यहाँ पे कोई हम डिक्लेरेशन भी नहीं करेंगे कि किस तरह का वेरिएबल वैल्यू हमें पास करनी है। अब इसके बाद हम आएंगे यहाँ पे, जैसे मान लीजिए ऐड नाम का फंक्शन है तो इसको हम कॉल कर लेंगे ऐड, ये हमारी कॉलिंग हो गई गेट सीएच। इसके बाद हम फंक्शन की बॉडी में आएंगे, यहाँ पे आया क्योंकि इस फंक्शन में कॉलिंग के टाइम पे कोई वैल्यू नहीं आ रही है, इसलिए हमें क्या करना है, इस फंक्शन में इनपुट फंक्शन बॉडी के अंदर ही कराना होगा। तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, दोस्तों ये हमारा फंक्शन बिल्ट हो गया, ये फंक्शन हमारा क्रिएट हो गया। अब इसको एक बार रन करा के चेक करते हैं, ये एंटर टू नंबर, नंबर एंटर करते हैं 3 6 9, रिजल्ट आ गया हमारा। अब आइए इसको समझते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्लियर स्क्रीन ऐड कर देते हैं ताकि स्क्रीन क्लियर हो जाए। अब इसमें देखेंगे, ये हमने फंक्शन क्रिएट किया, ये आपका फंक्शन का डिक्लेरेशन सेक्शन है पूरा का पूरा। यहाँ पे फंक्शन डिक्लेयर किया गया है और यहाँ से फंक्शन को कॉल किया गया। क्योंकि ये फंक्शन हमारा नो आर्गुमेंट नो रिटर्न टाइप का है, इसलिए ना ही कोई यहाँ पे रिसीवर लगा हुआ है, यहाँ पे ना ही कोई रिसीवर लगा हुआ है और ना ही इसके बीच में कोई आर्गुमेंट पास किया गया है। अब जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा तो कॉल होते ही ये फंक्शन की बॉडी सर्च करेगा, यहाँ पे आएगा यहाँ से फंक्शन की बॉडी में, और फंक्शन की बॉडी में आने के बाद 3 वेरिएबल डिक्लेयर करेगा। डिक्लेयर करने के बाद एक मैसेज मिलेगा इंटर टू नंबर, इसके बाद ए और बी में जो भी नंबर हम एंटर करेंगे ए और बी में इनपुट हो जाएगा, उसके बाद ऐड होने के बाद ये प्रिंट हो जाएगा। इसको फिर से करके देखते हैं। ये
फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, ये रिजल्ट आ गया आपका। तो दोस्तों ये था हमारा प्रोग्राम। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए, कोई डाउट्स है, कोई प्रॉब्लम है तो मेरी मेल आईडी दी गई है, इस पे आप लोग मेल करिए, उसका प्रॉपर रिप्लाई मिलेगा आप लोगों को। थैंक यू।